Assalamu alaikum, welcome, khushamadi, jiyanu and fakhar ragle to all my very beautiful listeners out there who are listening me in this show. तो जनाब कैसे हैं आप तमाम लोग, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे, जहाँ होंगे इंजॉय कर रहे होंगे. और हमेशा की तरह मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए हाजिर हो गई हूँ. हफ्ते में एक बार आपकी और मेरी मुलाकात होती है यहीं पर, यानी कि इस यूट्यूब चैनल पर. मेरा नाम क्या है अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपना नाम बता देती हूँ. दिस इज मी माई सेल्फ कुरतुल्ला नवासी. अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वरना अगर आप मुझे सुनते रहते हैं तो आप मेरा नाम ज़रूर जानते होंगे. प्यार से आप मुझे एनी एनी एना कुरत जो कहना चाहें कह सकते हैं, इट्स अप टू यू. और हमेशा की तरह आज भी हम करने वाले हैं बहुत सारी चिट चैट, जिसमें शामिल होगा सोशल मीडिया राउंड अप, कि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, व्हाट्स इन व्हाट्स आउट, और कौन सी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, कौन सी वीडियोस वायरल होने वाली हैं, ये मैं नहीं बता सकती, मतलब अंतर यहाँ भी थोड़ी हूँ. मूवीज़ कौन सी जो है लाइनअप हैं, कौन सी मूवीज़ आ रही हैं, आप कौन सी मूवीज़ वीकेंड पर प्लान कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर अकेले भी चाहो तो देख सकते हो. बिल्कुल मैं आपको ये सब बताऊंगी, सॉन्ग्स कौन से वाले लेटेस्ट आए हुए हैं और लोग उन्हें कितना पसंद कर रहे हैं, ये सब हम बताएंगे लेकिन आपको आने वाले लिंक में. उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगी, अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, आप अपनी राय देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं जहां आप हमें सुन रहे होंगे, और वहीं पर नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, वहां जाकर आप हमें बता सकते हैं कि आपको मज़ीद इसमें क्या बेहतरी चाहिए, क्या और आप चीज़ जानना चाहते हैं, तो हम आपको बिल्कुल वहां पर उसका रिस्पॉन्स करेंगे. www.youtube.com/naisubah. Alright listeners, this is me कुरतुल्ला नवासी और आप सुन रहे हैं मुझे. जी जनाब, तो बात हमारी स्टार्ट कहाँ से करनी है, स्टार्ट करते हैं अपने दोस्त मुल्क से, यानी कि चाइना की बात कर रही हूँ मैं. यहाँ पे चाइना में एक बड़ा अजीब और गरीब किस्म का उन्होंने रूल निकाला है. अब रूल ये है कि अगर आप सब लोग जानते होंगे कि अगर डाइवोर्स की जाती है, फैमिली में सेपरेशन होती है, यानी हस्बैंड वाइफ के दरमियान सेपरेशन होती है, तो वहाँ पर जो है एलिमनी की उनको रकम देनी पड़ती है. वो तो ठीक है, वो सब जानते हैं, लेकिन अभी जो चाइना का रूल है उसमें एक मज़ीद उन्होंने ये इजाफा कर दिया है कि अगर फॉर एग्जांपल 5 साल बाद, 10 साल बाद या 2 साल बाद, कितने भी टाइम के बाद वो सेपरेशन हो रही है, तो हस्बैंड को उस टाइम ड्यूरेशन का जो भी पेमेंट बनता है वो भी उसको पे करेगा, क्योंकि उसने उसके घर में काम किया है. क्या मतलब, मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई थी, मैंने कहा लाइक ये क्या है, मतलब बेचारे मर्द के साथ इतना जुल्म. खैर खवातीन मार्च वाले जो लोग हैं उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है, मतलब वो कहेंगे कि क्या बात है, मतलब चाइना हमारी सुन रहा है लेकिन हमारे मुल्क में हमारी नहीं सुनी जा रही. अगर आप लोगों ने 8 मार्च को खवातीन का जो धरना था वो देखा सुना तो आप लोग जानते होंगे क्या राय रखते हैं उसके बारे में. मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी लेकिन आप लोग की राय बिल्कुल जानना चाहते हैं, आपकी राय बहुत 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 कीमती है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं www.youtube.com/naisubah. जी जनाब, यही है वो रास्ता, यही है वो पता जिस तक चल के आप हम तक आ सकते हैं. ठीक है जनाब, सेकेंड बात जो है वो क्या है, वो ये है कि चाइना में ही क्या हुआ, एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, और वहाँ पर एक खातून है जिन्होंने एक ऑनलाइन फ़ोन ऑर्डर किया. जाहिर सी बात है यहाँ पर भी इतना ऑनलाइन का सिस्टम चल रहा है, आपको पता है कोविड के बाद स्पेशली तौर पे लोग डिजिटलाइज हो गए हैं, ई जो है हर तरह की जो चीज़ें ना वो ई पे चली गई हैं, यानी इंटरनेट की तरफ हो गए ना. उन्होंने ऑर्डर किया एक मोबाइल फ़ोन जो कि एप्पल 12 Pro Max के नाम से है, और इसके नाम में मैक्स पहले या प्रो बाद में है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यही फ़ोन था जो उन्होंने ऑर्डर किया 9,999 में, यानी 9,999 यन में, जो कि चाइना की करेंसी है. और जब वो डिलीवरी उनके मतलब तक आई और उन्होंने ओपन किया तो उसके अंदर सेम लेबल का एक जूस था. सोचो इतना महंगा जूस कभी पिया है किसी ने, तो वो जो है खैर आगे का सीन क्या हुआ, अभी कंपनी पर क्या चीज़ें चल रही हैं उस बारे में फ़िलहाल कोई बात नहीं है. लेकिन ये देखें, हम लोग अपना रोना रोते हैं तो इतनी बड़ी बड़े शहरों में जो कि जायंट्स हैं, मतलब पूरे मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये सब कुछ हो सकता है, तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं. उसके अलावा अगर हम बात करें मूवीज़ के बारे में, जी जनाब 26 मार्च 2021 को एक मूवी आने वाली है, कोई जाने ना, और इस मूवी के अंदर मौजूद हैं बहुत कोई मज़ेदार किस्म के लोग. आमिर खान है, एली अवरम है, अमारा दस्तूर है और कुणाल कपूर है. जी जनाब, ये मेन लीड में नज़र आएंगे. साइको थ्रिलर एक ये मूवी है, अगर आपको थ्रिल पसंद है, और ये साइको थ्रिल एंड तक पता नहीं चलेगा कि कौन असल में क्या है, और एंड में हम जिसको समझ रहे होंगे कि इतना मासूम सा बंदा है, और वही बंदा निकल के आता है एंड में कातिल.
ऐसा जो है, अगर आप थ्रिलर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये मूवी बिल्कुल जी जनाब, ये एक्चुअली आपके लिए है और आप इसको जाके देख सकते हैं। इसका एक गाना है हरफन मौला, जी जनाब, गाना मैं क्यों बता रही हूँ, हरफन मौला अच्छा गाना है, मैंने सुना है उसे, आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। वो गाना जिसने गाया वो कौन है, गाने 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 कौन है वो, और कोई नहीं, पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ माजी की जो एक सिंगर रह चुकी हैं, सलमा आगा। सलमा आगा के नाम से आप लोग वाकिफ हैं, अगर नहीं वाकिफ तो मैं उन लोगों का आपको दो गाने बताती हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो बहुत मशहूर थे। एक तो वो था, वो थोड़ा नाक से गाती है तो मैं बताती हूँ, एक बार मिलो हम से तो सौ बार मिलेंगे, एक तो ये गाना था, और दूसरा वो था दिल के माजरत के साथ, अगर सलमा आगा मेरा ये गाना सुन ले तो उसके बाद वो खुदकुशी कर लेंगी तो ठीक है जनाब, एक बार मिलो हमसे तो सौ बार मिलेंगे, हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे, जैसे खूबसूरत गाने गाने वाली सलमा आगा की बेटी है ये जनाब, उनकी और अहमद खान की बेटी है ज़ारा खान। तो ज़ारा खान ने ये गाना गाया है, इंडिया में उनका ये अब जो है डेब्यू हो चुका है। उसके अलावा सलमा आगा जावेद शेख की पहली वाइफ रह चुकी हैं, तो उनकी एक्स वाइफ भी हैं, लेकिन अभी इंडिया में शिफ्ट हो चुकी हैं, यहाँ पे नहीं रह रही, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं है। तो साइको थ्रिलर मूवी के शौकीन, ये आप लोग की मूवी है, 26 मार्च 2021 नेटफ्लिक्स पे भी आ रही है, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। सिनेमा तो बंद है, जाहिर सी बात है, पायरेसी और बाकी तमाम जो तरीक़ेकार हैं, मतलब जो शौकीन है ना, वो कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे, राइट। और एक और मूवी है रूही, जी जनाब, ये है उनका नाम मैं भूल गई हूँ, यस, बोनी कपूर की जो डॉटर हैं और श्रीदेवी की जो डॉटर हैं, जानवी कपूर की मूवी आ रही है, ये फुल ऑन 3D ड्रोनी सी मूवी है, मतलब अगर आपको ड्रोनी मूवीज़ पसंद हैं और तो फिर ये मूवी बिल्कुल आपके लिए है, आप रूही मूवी देख सकते हैं। मैंने उसका जितना ट्रेलर देखा, मुझे मतलब इतनी ड्रोनी नहीं फील हुई, लेकिन शायद ज़्यादा लोगों को फील हो, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये दो नई लेटेस्ट मूवीज़ हैं, आप इन्हें बिल्कुल देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं और लोगों को डरा सकते हैं कि हमने ऐसी मूवी देखी है, अकेले में बैठ के देखा, तब लग पता जाएगा, तब आप लोगों के ना चीज़ें निकल जाएंगी। मैं जब भी कोई इस तरह की मूवी देखती हूँ तो मैं तो भाई सेंटर में बैठती हूँ, मेरे आगे पीछे मेरी फैमिली के लोग बैठे होते हैं, लाइक मेरी मम्मा होती हैं, मेरे भाई होते हैं, बहन होती हैं, और लाइक मेरी चीज़ें सब ज़्यादा निकल रही होती हैं। और मूवीज़ की बातें तो हम लोगों ने बहुत कर ली। बिग बॉस 14 हो चुका है ख़त्म, और उसका विनर कौन है, लड़का नहीं जनाब, गर्ल्स पावर वहाँ पर बाकायदा शो हुई है, एंड में जो फाइनल कंटेस्टेंट थे वो तीन थे, जिनमें से रुबीना ये वही है जिनका वो एक ड्रामा आया था जिसमें उन्होंने किन्नर का रोल प्ले किया था। किन्नर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो किन्नर मीन्स ट्रांसजेंडर, उन्होंने उसमें ट्रांसजेंडर का रोल प्ले किया था, क्या सीन लगी थी सीरियसली। खैर, तो वो रुबीना जो है उन्होंने बिग बॉस 14 जीत लिया है, राखी सावंत उनके साथ अपोनेंट थी और एक कोई मेल भी था, और लेकिन राखी और इन दोनों में से रुबीना जो है वो उन्होंने बिग बॉस 14 जीत लिया। इस वक्त बिग ब्रदर बहुत ज़्यादा चल रहा है, बिग ब्रदर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं देख रहे तो जाके देखें, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स हो रहे हैं, वही फाइटिंग, डिशुम एक दूसरे पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना, लेकिन मेरे ख्याल से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चलती ही इन तमाम चीज़ों की वजह से है। और सैंडल एक गाना आया है, सैंडल गाना बहुत अच्छा चल रहा है, सैंडल के अलावा चुप एक गाना आया है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। चुप के अलावा एक और गाना है जस्सी गिल का, जी जनाब, ओए होए, तो ओए होए गाना आप सुने, इस वक्त वो रैंकिंग पे बड़ा टॉप चल रहा है, 3 दिन पहले ये गाना रिलीज़ हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि रेडमी नोट 10 प्रो आज रिलीज़ हो जाएगा या कल, मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो हो सकता है आज या कल रिलीज़ हो जाए, इसकी रिलीजिंग डेट इन्हीं दिनों में है। और इसकी और कोई मैं अभी बात नहीं बताने वाली हूँ आपको, लेकिन इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल है, ओ माय गॉड। अब सब लोग व्लॉगिंग का बहुत शौक रखते हैं और फ्रंट कैमरा का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारा बैक कैमरा, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल इसे परचेज़ कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं, 50,000 की रेंज जो है इस फ़ोन की है, और रेडमी ने अपने आप को काफ़ी इस्टेब्लिश कर लिया है पिछले दिनों में, तो अच्छा ये कॉम्पिटिशन दे रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे ले सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप पर लॉगिन का एक ऑप्शन आने वाला है इन फ्यूचर, अभी व्हाट्सएप वालों ने ये अनाउंस किया है इन्फो बीटा के ऊपर, वहाँ पर ये अनाउंसमेंट आई है कि व्हाट्सएप इन फ्यूचर लॉगिन का आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप फिर फेसबुक और इंस्टा और ट्विटर की तरह इसको भी लॉगिन और लॉग आउट कर सकेंगे, तो ये ईजी हो जाएगा, वरना अगर हमें व्हाट्सएप हम यूज़ नहीं करते थे तो हमें उससे क्या करना पड़ता था, अनइंस्टॉल करना पड़ता था, तो आप उस झंझट से फिर बच जाओगे।
ऑलराइट लिसनर्स, बहुत 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 सारी बातें आप लोगों के साथ की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप वो कोई ना कोई आपकी काम आई होगी। आप अगर मूवीज़ वो देखना चाहते हैं देखें, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने वो देखी, आपको कैसी लगी, गाने कैसे लगे, और जो गाने मैंने बताए हैं वो भी जाके सुने। और डेफिनेटली डू लेट मी नो, हमें आप लोगों के रिस्पॉन्स का बहुत ज़्यादा बेचैनी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसी बात के साथ वक्त हुआ चाहता है इख्तिताम का, तो मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत सारा ख्याल, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, अगर कोई नाराज़ है तो उसे मना लें, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। तो कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मेरी जान, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ तक जा रही है मेरी आवाज़, दिस इज़ मी कुरतुल अनबासी सेइंग साइनिंग आउट, और हस्ता ला विस्ता।